हाँ जी नमस्कार, आप सभी को, आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 21 रहेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। तो जब बात करते हैं विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1828 से लेकर 1835 तक रहा। इसी विलियम बेंटिक के समय में 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद बदल कर भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। तो ये विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब जब बात करते हैं दूसरे आंगल सिख युद्ध के बारे में, तो ये कब की बात है? द्वितीय आंगल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ था। तो इस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? यहां पर आप कहेंगे उस समय तो डलहौजी था, और डलहौजी का शासनकाल तो नहीं कहेंगे, कार्यकाल बोलेंगे। तो डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856 तक रहा था, है ना? ये डलहौजी किसके लिए जाना जाता है? हड़प नीति के लिए जाना जाता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत लेकर आया जाता है ना। और भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? इसी डलहौजी को माना जाता है। वुड डिस्पैच जो 1854 की बात है, ये भी इसी डलहौजी के समय की बात है। 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, इसी डलहौजी के समय में। पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के समय में की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जब बात करते हैं तृतीय जो मराठा युद्ध हुआ था, ये कब की बात है, तो आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे तीसरा मराठा युद्ध कब से कब तक चला? 1817 से 19 तक चला। तो किसके समय की बात है? ये बात है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स बहुत बाद की बात है। ये 1813 से लेकर 1823 तक रहा था, ठीक है ना? तो इसके समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हो गई और अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, इनको कहाँ भेज दिया गया? बिठूर में भेज दिया गया पेंशन के बलबूते, ठीक है? और पेशवाओं का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया 1818 में। तो ये कुछ बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अमृतसर की संधि, ये किसके समय की बात है? आप कहेंगे मिंटो प्रथम के समय की बात है। और मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1807 से लेकर 1813 तक रहा मिंटो प्रथम। अंग्रेजों की महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि हुई थी, कब की बात है ये? तो ये बात है 1809 में, जिसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों की तरफ से मध्यस्थता कौन कर रहे थे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अब इसको सुमिलित करके देख लीजिए कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। A1, B3, C2, D4। जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक था, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसका नाम आएगा इसमें से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें नाम लिखा होगा अबुल कलाम आजाद, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 7 अगस्त 1942 को एक मीटिंग हुई कांग्रेस के प्रतिनिधियों की ग्वालियर टैंक मैदान में। अगले दिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा सभी प्रतिनिधियों के सामने कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसका नाम रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो
फिर सभी ने विचार विमर्श किया और इस आंदोलन को शुरू करने की सहमति दे दी। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया 8 अगस्त 1942 को। फिर अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, यानी आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का, है ना, करो या मरो। तो ये बात अगस्त की चल रही है ना, अगस्त, तो यानी इस क्रांति को अगस्त क्रांति भी हम कहते हैं, अगस्त क्रांति। और जिस मैदान में, यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान में इस क्रांति की शुरुआत हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अगस्त क्रांति मैदान बोल देते हैं, अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृत महाकाव्य महाभारत का अनुवाद अकबर के शासनकाल में पारसी भाषा में किया गया, उसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा रजमनामा, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। रजमनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। अकबर के अगर शासनकाल की बात की जाए, अकबर का शासनकाल पानीपत की दूसरी लड़ाई के साथ शुरू हुआ। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में जीत ली थी और ये फिर गद्दी पर बैठ गया। 1556 से लेकर 1605 तक का शासनकाल रहा अकबर का। अकबर को मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से माना जाता है। और जब बात करते हैं इस अकबर ने ऐसा क्या किया था कि साहित्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टाइम पीरियड माना जाता है, साहित्य की दृष्टि से। तो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक विभाग बनवाया था जिसे हम कहते हैं अनुवाद विभाग, इंग्लिश में कहें तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी अकबर ने। इसी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के तहत अकबर ने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। जैसे एक नाम तो लिखा ही हुआ है महाभारत का, ठीक है, और रामायण का भी फारसी में अनुवाद हुआ, पंचतंत्र का भी फारसी में अनुवाद हुआ इसके समय में। और जब बात करते हैं हम राज तिरंगिणी, जिसे मूल रूप से किसने लिखा था, कल्लण ने, जिसमें कश्मीर का इतिहास हमें पता चलता है, उस राज तिरंगिणी का भी फारसी में अनुवाद कर दिया गया अकबर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, और जब बात करते हैं एक और ग्रंथ है सिंहासन बत्तीसी, इसका भी फारसी में अनुवाद किया गया अकबर के समय में। ठीक है, और तो और अकबर के दादा ने एक आत्मकथा लिखी थी जिसे क्या नाम दिया जाता है, तुजुक ए बाबरी, मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने खुद। उस तुजुक ए बाबरी का भी फारसी में अनुवाद कर दिया था अकबर के समय में। किसने किया था, तो नाम आता है अबुल फजल का। तो अब अगर कुछ पॉइंट लिखें, राज त्रिंगिणी का फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाम आता है मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। तो ये वो व्यक्ति था जिसने राज त्रिंगिणी का फारसी में अनुवाद किया अकबर के शासनकाल के दौरान। और अबुल फजल ने अकबर के बारे में एक रचना लिखी जिसे नाम दिया जाता है आईने अकबरी, और इसी ने फारसी में ट्रांसलेशन किया था तुजुक ए बाबरी का। और तो और अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद हुआ, और अनुवाद करने वाला कौन था, इब्राहिम सरहिंदी। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो नाम आता है फैजी का। ठीक है, और रामायण और सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति, तो नाम आता है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान, है ना, ऐसे नाम आपने सुने होंगे, ये सभी बदायूनी, इन्होंने ये मिलकर ये काम किया था। तो अब देख लीजिए अकबर के शासनकाल में बहुत सारे भारतीय ग्रंथ फारसी में अनुवादित किए गए, यानी कि फारसी में अब भारतीय ज्ञान छपने लग गया, बहुतायत मात्रा में अब भारतीय ज्ञान फारसी भाषा में छप चुका था। इसी वजह से अकबर के शासनकाल को साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है जी, और अकबर के अगर कुछ बिंदुओं की बात की जाए तो
दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1562 में। तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगा करता था उसे कब रद्द किया? 1563 में। जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था वो समाप्त कब किया अकबर ने? 1564 में। और इसे अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की और इसकी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित कर ली। कब की बात है ये? 1571 में। काफी लंबे समय तक फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाए रखा, फिर ये राजधानी 1585 में फतेहपुर सिकरी से लाहौर स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार कुछ बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आलमगीर उत्तर प्रदेश में है क्या? आप कहेंगे जी हाँ ये तो सटीक बैठ रहा है, हमें तो सही नहीं है वो बताना ना। तो आलमगीर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है, वहां पर ये जगह है आलमगीरपुर। आलमगीर औरंगजेब को बोला जाता है, वो थोड़ा ध्यान रखना है, आलमगीरपुर एक जगह का नाम है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो जैसे सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो आलमगीरपुर का नाम आता है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है उसके बारे में आप बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। और सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करते हैं तो मांडा नाम आता है, मांडा जम्मू कश्मीर में है चेनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये आपको ऑप्शन फोर्थ दिया गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है ये? तो नदी का नाम है प्रवरा नदी जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, और मांडा जो हो गया वो तो आपका चेनाब नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है हड़प्पा सभ्यता का वो द्वास्त नदी के किनारे है, द्वास्त नदी ये बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, इसका नाम बता दीजिए कौन सा रहेगा आपके लिए ये क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, बनावली कहां पर है? बनावली हरियाणा में ही है, बिल्कुल ठीक बताया है आपने, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में है। फतेहाबाद पहले तो हिसार में आता था क्योंकि हिसार और फतेहाबाद पहले एक थे, लेकिन बाद में फतेहाबाद अलग हो गया तो अब बनावली फतेहाबाद का हिस्सा है। राखी गढ़ी की बात करते हैं तो राखी गढ़ी तो आपका हिसार में है, हिसार, और ये हिसार तो हरियाणा में है, तो यानी आपको टिक कौन सा करना था? तो आपको टिक करना था दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि ये राखी गढ़ी राजस्थान में है, ये बात गलत लिखी हुई है क्योंकि राखी गढ़ी तो हरियाणा में है। हिसार, हिसार शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था ये फिरोज शाह तुगलक, जो कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1351 से 1389 तक गद्दी पर रहा। इसी ने फतेहाबाद को बसाया था अपने बेटे फतेह खां के नाम पर। ठीक है ना, ऐसे आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी बताएं। यहां पर वंशों के नाम लिखे हैं, इधर संस्थापकों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको यह बताना है कि ठीक है क्या। तो सबसे पहला वंश कौन सा आता है विजयनगर साम्राज्य में? आप कहेंगे संगम वंश आता है। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो हरिहर बुक्का ने किसके समय में स्थापना की थी? उस समय तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान गद्दी पर बैठा हुआ था जिसका नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करते हुए इस विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, ये टोटल तो पांच भाई थे, बाकी तीन भाइयों के साथ मिलकर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की तुंगभद्रा नदी के किनारे।
तो अब जब चलते हैं दूसरे वंश के बारे में, तो दूसरा वंश सालू वंश शुरू हुआ, जिसकी स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। तीसरा वंश तुलु वंश, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी 1505 में, और ये वीर नरसिंह 1505 से 1509 तक रहा। इसी वीर नरसिंह का छोटा भाई था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय फिर गद्दी पर बैठे, 1509 से लेकर 1529 तक गद्दी पर रहे। पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य, यानी कि इन चारों वंशों की बात करें तो सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? कृष्णदेव राय ही थे। कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा बताया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, ठीक है। और जब बात करते हैं चतुर्थ वंश कौन सा था? अरावीडु वंश, जिसकी स्थापना की थी तिरुमल ने, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, यानी A1 B2 C3 D4 जो है वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, तो इसमें गलतियां होने के आसार नहीं होने चाहिए। तो अगर टाइम पीरियड भी लिखें तो आप लिख सकते हैं संगम वंश 1336 से लेकर 1486 तक रहा, ठीक है। फिर 1486 से लेकर 1505 तक सालू वंश रहा, और फिर 1505 में वीर नरसिंह ने स्थापना कर दी थी इस तुलु वंश की, और ये वंश 1565 तक रहा, जब तक वो प्रसिद्ध लड़ाई नहीं हुई, है ना। फिर लगभग 1517 मान के चलिए 1647 तक ये अरावीडु वंश रहा, और विजयनगर साम्राज्य पूर्ण तरीके से तहस नहस हो गया, इनका अंत हो गया। कृष्णदेव राय की बात करें, जो पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे, इनको संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था और तेलुगु जो है वो भी इनको अच्छी तरीके से आती थी, ठीक है ना। इनके दरबार में बहुत सारे कवि रहा करते थे, जिन्हें हम अष्ट दिग्गज की कल्पना, यानी कि अष्ट दिग्गज नाम दे देते हैं, कल्पना तो नहीं कहेंगे, वास्तविक ही थे, परंतु ऐसा बोलेंगे कि नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा ठीक रहेगा। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक का माना जाता है। ये खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। तो बात आती है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी इस अलाउद्दीन खिलजी के ताऊजी थे, ठीक है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, इसने गुलाम वंश का अंत कर दिया और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। 1290 से लेकर 1296 तक ये फिरोज खिलजी सत्ता में रहा, और फिरोज खिलजी को इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर, कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। यहां पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। ये विकिपीडिया से उठाई हुई फोटो है, तो उन्हीं को समर्पित है विकिपीडिया को, ठीक है ना। ये यहां पर दिखाई दे रही होगी आपको कुतुब मीनार, और ये अलाई दरवाजा, ठीक है ना। इल्तुतमिश की जब बात करते हैं, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के पहले वंश का तीसरा सुल्तान था। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में उसका बेटा आराम शाह, फिर बैठा इल्तुतमिश, और ये 1211 से लेकर 1236 तक रहा। चालीसा का गठन किसने किया था? इसी इल्तुतमिश ने किया। और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इसी इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है ना। आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो भी नाम आता है इल्तुतमिश का, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली को कभी भी राजधानी नहीं बनाया, उसने लाहौर को राजधानी बनाया था। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश ही था। ग्यासुद्दीन बलबन की बात करते हैं, तो ग्यासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का ही एक सुल्तान था, जो 1265 से लेकर 1287 के आसपास तक रहा। यही वो बलबन है जिसने भारत में
पैवोस प्रथा शुरू की। पैवोस प्रथा का मतलब होता है पैरों को चूमने की प्रथा। यही वो बलबन है जिसने भारत में सजदा प्रणाली की शुरुआत की। सजदा सजदा प्रणाली है ना, और यही वो बलबन है जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरूज का प्रचलन शुरू करवाया। फसलों के पकने के आसपास मनाया जाता है ये त्योहार। तो बलबन के बारे में ये कुछ बातें हुई। जो इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था उस चालीसा को भी खंडित कर दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया इस बलबन ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान था। इसका बचपन का नाम जोना खां था, जोना खां। ठीक है, इसके पिता ने यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खां की उपाधि दी। इसका बचपन का नाम जोना खां था। बड़ा होकर ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। और 1325 से लेकर 1351 तक ये गद्दी पर रहा। पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है इसे। और इसने एक कृषि विभाग बनाया, स्पेशली कृषि विभाग। और उस विभाग का नाम क्या रखा गया? दीवान ए आमिर कोही। दीवान ए आमिर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इसी के समय में मोरक्को का यात्री 1333 में आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक का नाम आता है रेहला। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 के आसपास हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी, और वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है ना, तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से कथन सही है। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात तो ठीक लिखी हुई है, क्योंकि जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस मौर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ के यहाँ पर सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग। तो उस समय कहा जाता है कि विदेशी आक्रमण होने वाला था, और पुष्यमित्र शुंग ने यानी कि उनके सेनापति ने कहा कि राजा जी ऐसा है कि विदेशी आक्रमण होने वाला है, आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। कहा जाता है कि बृहद्रथ मौर्य ने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था, उन्होंने लड़ाई करने के लिए मना कर दिया। इसी की बदौलत इन्होंने क्या किया, मार दिया बृहद्रथ मौर्य को, और फिर स्थापना कर दी शुंग वंश की। तो इस प्रकार मौर्य वंश के बाद में हमें यहां पर कौन सा वंश देखने को मिला? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे, अगर आपको ध्यान में हो नाम आता है उनका पतंजलि। ठीक है ना, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, इनके अच्छे मित्र भी थे वो। फिर शुंग वंश के संस्थापक का एक बेटा भी था अग्निमित्र, अगर आपको याद है ना, मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम है। और अग्निमित्र की एक प्रेमिका हुआ करती थी, उसका नाम क्या था? मालविका। तो मालविका अग्निमित्रम एक ग्रंथ लिखा था कालिदास ने, जिस ग्रंथ में इन दोनों की प्रेम कहानी बताई हुई है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। अब वापिस आ जाइए दूसरे पॉइंट की तरफ। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की, और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। शुंग वंश के राजा देवभूति को उनके एक मंत्री ने मार दिया था जिनका नाम था वासुदेव कण्व, और कण्व वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश बहुत छोटा वंश रहा, इसमें केवल चार राजा हुए थे, और इसी कण्व वंश के समय में कई राज्य उभर कर सामने आए। ठीक है ना, फिर कण्व वंश का भी अंत कर दिया गया था सिमुक के द्वारा, और सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, यानी तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इसका फैलाव था वो वर्तमान के आंध्र प्रदेश के आसपास था। सातवाहन वंश ईसा पूर्व से पहले भी था और ईसवी के बाद में भी हमें देखने को मिलता है, यानी तीनों के तीनों कथन आपके ठीक हैं।
ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें बताने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म में चार व्रत किसने दिए? जैन धर्म में चार व्रत किसने दिए? बड़ा सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं, है ना? जल्दी से बताएं। चलो, तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा पार्श्वनाथ, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम जैनिज्म की बात करते हैं, यानी कि जैन धर्म की बात करते हैं, तो इसमें टोटल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। और ये पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही जैन धर्म के चार व्रत दिए। पहला व्रत है अहिंसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर इसका संधि विच्छेद करें, अ प्लस में हिंसा, हिंसा नहीं करनी, यानी लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? ये पहला व्रत दिया। दूसरा व्रत इन्होंने दिया था सत्य का, यानी कि सदा सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। और एक है असत्य, ठीक है, सत्य असत्य, कभी भी चोरी नहीं करनी, और अप्रिग्रह, ठीक है ना? तो इन सभी चारों व्रतों को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप कहेंगे 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने। और एक और भी इसमें व्रत माना जाता है, टोटल तो हम जैन धर्म में पांच मानते हैं ना, तो पांचवा व्रत कौन सा है? तो वो आता है ब्रह्मचर्य। तो पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य ये किसने दिया था? तो ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया, 24वें तीर्थंकर, ठीक है जी? इस प्रकार ये आपको बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, जैन धर्म को अगर हम परिभाषित करें ज्ञान के आधार पे, यानी कि ज्ञान जो है उसको कैसे देखेंगे, तो मति, मन, प्राय, कैवल्य। जैनिज्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? वो है कैवल्य की प्राप्ति। शब्दों में थोड़ा अंतर है, कहीं हम मोक्ष की बात कर लेते हैं, कहीं कैवल्य की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं जैनिज्म। और महावीर स्वामी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं ऑप्शन ए के बारे में, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ना, वो जैनिज्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है, ठीक है जी? और त्रिरत्न जो है वो इसमें भी होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या आप बता सकते हैं? एक तो होता है सम्यक ज्ञान, और एक होता है सम्यक दर्शन, और एक होता है सम्यक चरित्र। सम्यक यानी सात्विक, अच्छा ज्ञान, अच्छा दर्शन होना चाहिए, अच्छा चरित्र हमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये कुछ बिंदु हैं जैन धर्म से संबंधित जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बारे में बताने का प्रयास करना है आपको, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है, तो जो नहीं है वो बताना है आपको। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, संवाद कौमुदी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये संवाद कौमुदी मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था, कब की बात है ये? 1821 में। और 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी अखबार मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा जो थी उसे क्या है, एक अपराध घोषित करवाया, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन करवाया। 1830 में ये इंग्लैंड गए थे, 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगलों के सम्राट अकबर सेकंड ने इनको उपाधि दी थी, और इनको कहा कि मेरी सिफारिश कर दीजिए ब्रिटेन में जाकर कि मेरी तनख्वाह बढ़वा दी जाए। अब वापिस आ जाइए, बाकी तीन बचे हैं, लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान। ये किससे संबंधित हैं? तो आप कहेंगे ये संबंधित हैं मदन मोहन मालवीय को।
मदन मोहन मालवीय की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इनको महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। तो महामना की उपाधि इनको किसने दी थी? तो इनको महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। और महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी। पहला अधिवेशन 1909 में हुआ था लाहौर में। इस 1909 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले मदन मोहन मालवीय ही थे। फिर एक अधिवेशन 1918 में हुआ था दिल्ली में। इस दिल्ली के अधिवेशन में भी मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो बिंदु हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। तो आप सभी का धन्यवाद। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रैंड मास्टर 360। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, टेलीग्राम सब। चलिए जी, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।